विकास नारायण राव गुगे 12 वर्षों से बीएमसी स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं। परीक्षा की तैयारियों के बीच चुनाव ड्यूटी का बोझ डाले जाने से गुस्से में हैं। विकास जैसे पब्लिक सरकारी स्कूलों के हजारों शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाने का फरमान जारी हुआ है, जिसमें छुट्टी पर होने पर भी उपस्थित रहने को कहा गया है और इलेक्शन ड्यूटी के लिए हाजिर नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अब ऐसे हजारों शिक्षकों ने इलेक्शन ड्यूटी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बच्चों की जो एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा जो है अभी नजदीक है, उनकी 9वीं 10वीं के सराव पेपर चल रहे हैं और बच्चों का अभी हमें रिवीजन करना है, करके लेना है और सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन उसके ही बेस पे आधारित रहता है। किसी भी काम को टीचरों को ही उनके कंधे पे उसका बोझ डाला जा रहा है और इससे हो क्या रहा है सर, टीचर तो मानसिक प्रेशर में है, अगर मैं वो ड्यूटी करता हूं तो मेरे बच्चों का शैक्षणिक नुकसान होगा, अगर मैं ये ड्यूटी करता हूं तो मेरे क्लास का पेपर कौन निकालेगा, अभी वार्षिक एग्जाम है, और अगर मैं वो ड्यूटी करता हूं तो मेरा नियोजन कौन करेगा, मेरे बच्चों की तरफ ध्यान कौन देगा। इससे पहले मुंबई में मराठा आरक्षण का सर्वे भी शिक्षकों से कराया गया था, अब चुनाव ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षकों को जो 3 कार्य करने हैं उसमें इलेक्शन ड्यूटी का मतलब आरटी में क्लियर बताया गया है कि जिस दिन इलेक्शन होगा वो दिन, उसके पहले वाला दिन और दूसरा दिन, ऐसे 3 ही दिन बताए गए। दूसरा जो दिया है वो सेंसस, जो दशवार्षिक जिसको जनगणना बोलते हैं, जो 10 साल में एक बार आता है, और तीसरा कार्य होता है वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 3 गैर शिक्षा कार्य छोड़कर कोई भी काम शिक्षकों को देना नहीं चाहिए, ऐसा आरटी में देते हुए भी कल मुंबई में सैकड़ों स्कूलों में 50% शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी लगी है। इलेक्शन कमीशन और एजुकेशन अफसर को, दोनों को हमने निवेदन दिया है कि तुरंत ये काम बंद कर देना चाहिए। शिक्षक संघ बताते हैं कि नियमों के मुताबिक उनको जनगणना और 48 घंटे की चुनावी ड्यूटी पर लगाया तो जा सकता है, लेकिन मौजूदा समय में इन पर करीब 180 प्रकार के अलग अलग सरकारी कार्यों का बोझ है। अब शिक्षकों की नाराजगी के बीच ये देखना होगा कि सरकार पढ़ाई लिखाई के काम पर असर डाले बिना चुनाव ड्यूटी कैसे पूरा करवा पाती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।